91 रेगो 2090। इस साइकिल को मैंने पिछले 5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इस साइकिल के लेके मैं बहुत सारा लॉन्ग जर्नी किया है, को लॉन्ग जर्नी के बाद भी इस साइकिल कैसा हुआ है इसके बारे में इस वीडियो में बात करूँगा, तो वीडियो को एंड तक जोर से देखना। इस साइकिल में मिलता है आपको 29 इंच का व्हील साइज और 18.5 इंच का फ्रेम साइज देखने के लिए मिलता है। फ्रंट और रियर में दोनों साइड में आपको एक अच्छा डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है। टॉप्स नॉक्स का सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको क्विक रिलीज देखने के लिए मिलता है और एक अच्छा एल्यूमिनियम का हैंडल देखने के लिए मिलता है। इस साइकिल को मैंने एक दिन में 180 किलोमीटर अप डाउन करके एक बहुत लॉन्ग जर्नी किया था, लेकिन इस साइकिल में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था। और इसमें मैंने खुद से एक सीट कवर लगाया है, सीट कवर भी बहुत अच्छा है। उस सीट कवर का प्राइस मुझे 300 रुपये पड़ा। ओके, और इस साइकिल में एक अच्छा हैंडल देखने के लिए मिलता है, तो हैंडल भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है लेकिन अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। और इस साइकिल में मुझे एक अच्छा लगा कि इस साइकिल बहुत स्मूथ चलता है, स्मूथ साइकिल चलता है और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। पहले 1 वीक में प्रॉब्लम आया था, लेकिन मैंने सर्विसिंग के लिए दे दिया, फिर ये साइकिल अच्छा हो गया। इस साइकिल में कलर देखो, ग्रे कलर में आता है, एक कलर ब्लू कलर में भी आता है, वो भी साइकिल मेरे पास भी है। इस साइकिल का मुझे एक प्रॉब्लम आया है, जो चेन है ना, चेन का प्रॉब्लम आया था, तो चेन का प्रॉब्लम भी मैंने लोकल में जाकर ठीक कर लिया है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। इस साइकिल बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा साइकिल है, तो दोनों साइड में डिस्क ब्रेक है, ये डिस्क ब्रेक भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। फोन में क्विक रिलीज देखने के लिए मिलता है, तो मैंने ये साइकिल लेकर बहुत सारा जर्नी किया है।